अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन, वेलकम विद न्यू व्लॉग। आज एक नए दिन के साथ स्टार्ट करती हूँ अपना आज का व्लॉग। एक नया दिन, और ये जो हमारा बर्ड है ये तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। दो जो पैर वाले पैरट्स हैं वो लाइक इतने एक्टिव नहीं है। ये इतना बोलती भी और इतनी एक्टिव सी है ये, जैसे इसके पास जाती ये बोलना शुरू हो जाती है। और वैसे भी जो इसकी एक्टिवनेस है ना वो नज़र आ रही है। और जब ना मैंने अभी डिसाइड नहीं किया था व्लॉगिंग करने का, सोचा नहीं था, तो इससे पहले ना मुझे मेरे भाई ने कहा था कि आपके पास एक चीज़ है जिसको आप प्रोवाइड कर सकते हो, लोगों को डिलीवर कर सकते हो, तो वो करनी चाहिए। जब मैं इधर इटली आई थी तो मैंने ड्राइविंग लाइसेंस पास किया था इटालियन लैंग्वेज में, पहले थेरी और फिर प्रैक्टिकल। तो थेरी टेस्ट बहुत मुश्किल होता है यहाँ पर, बिकॉज़ वो एक सेकेंड लैंग्वेज है इटालियन, तो वो पाकिस्तानियों के लिए या कोई भी जो गैर मुल्क उनके लिए मुश्किल होता है, पहले आपको थ्री टेस्ट पास करना। तो मैंने जब अपना कंप्लीट किया था टेस्ट, तो जब मैंने अपना टेस्ट पास किया था उस टाइम मुझे भाई ने कहा था कि आप एक चैनल बना लो जिस पे आप जो है अपने लेसन्स दिया करो, ड्राइविंग लाइसेंस की प्रिपरेशन के, उससे लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो उस टाइम से मैंने ये फिर डिसाइड किया था और मैंने एक चैनल भी बनाया था ताकि जो है इटालियन लैंग्वेज को मैं उर्दू में ट्रांसलेट करके तो लोगों को एक जो है ना चीज़ समझा सकूँ आसान लफ्ज़ों में। तो यहाँ पर बात करने का मकसद ये था कि मुझे जो है ना इजाज़त वो मेरे भाई ने दी थी चैनल बनाने की। तो जब आपको इजाज़त मिल जाती है ना किसी भी चीज़ की, तो वो आपके दिल में जो एक हर वक्त खौफ सा रहता है ना कि नहीं पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे इस काम करने से, तो वो ख़त्म हो जाती है अगर आपके घर में पेरेंट्स इजाज़त दे दें या भाई दे दे। और इधर मैं अभी एक ग्रीन टी बनाऊँगी जो कि वेट लॉस के लिए है। ये मेरे पास अदरक है जो मैंने एक अदरक का पीस लेके ना उसको छोटा छोटा बिल्कुल कटिंग कर ली थी उसकी, और दो लेमन लिए थे उनके छिलकों की ऐसी छोटी बारीक कटिंग करके ना टिश्यू के ऊपर फैला के मैंने रूम में रख दिया था। कल ये मैंने इनकी कटिंग करके रखी थी और आज ये ना बिल्कुल ऐसे ड्राई हो गए हैं। और यहाँ पर मैंने दो टेबल स्पून ज़ीरा और दो टेबल स्पून ये मेरे पास सौंफ हैं ये लिए हैं। यहाँ पर मैंने एक एयर टाइट जार ले लिया है ग्लास का। एयर टाइट जार लेने का मकसद यह है कि इसमें नमी नहीं जाएगी, तो फिर ये जो है ना ख़राब नहीं होंगे। तो इसमें मैं ये सारे ऐड कर दूंगी। अब ज़ीरा मैंने थोड़ा सा ज़्यादा था ये दो चम्मच से, तो वो मैं थोड़ा सा रख लूँगी बीच में से। तो ये टी तकरीबन है 10 दिन मैं इसको यूज़ करूँगी, फिर नहीं बना लूँगी। ये मैंने एक रेसिपी देखी थी, उन्होंने यहाँ पर सौंफ की जगह अजवाइन डाली थी, लेकिन मुझे सौंफ का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, ये भी वेट लॉस के लिए अच्छा होता है, तो मैंने अजवाइन की जगह पे सौंफ डाले हैं। ये मैंने रेसिपी देखी थी मरियम परवेज़ के चैनल पे, उन्होंने बनाई थी वेट लॉस के लिए, तो मैं इसको फॉलो करूँगी और फिर देखती हूँ कि मुझे इसके क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी अपनी वेट लॉस जर्नी। अगर आपने भी अपना वेट रिड्यूस करना है तो इस तरह की ग्रीन टी बना लें। खैर मैंने इतना ज़्यादा नहीं करना, लाइक 4-5 kg 5 के अंडर ही करना है। तो देखती हूँ इस के ना मुझे क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। और जो इसमें इंग्रेडिएंट्स गए हैं उनको देख के तो लगता है कि ग्रीन टी बहुत मज़े की होगी ये। और जो लेमन है, लेमन के छिलकों की अभी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी जब मैं ये मिक्स कर रही थी, और जब ये रूम में फैला के रखे हुए थे तब भी ना रूम में जाओ तो ऐसे कितनी अच्छी महक सी आती थी लेमन की। तो ये बन के तो इसका टेस्ट भी अच्छा होगा बन के डेफिनेटली। और मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि इसको कंज्यूम कैसे करना है। ब्रेकफास्ट से पहले 1/2 कप और 1 कप जो है वो डिनर के बाद, ऐसे इसको पीना है। और डिनर जब ये पी लें डिनर के बाद, तो फिर उसके बाद कुछ भी नहीं खाना। और यार इसकी वाकई बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इसका कलर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सारे इसमें ना नेचुरल वाली चीज़ें गई हैं। अदरक भी जो थी वो भी फ्रेश थी और मैंने खुद उसको कटिंग करके तो उसको खुश किया है, लाइक ऐसे लेमन के जो छिलके थे वो भी, और इसका कलर भी बहुत जो है ना मज़े का आया है, और खुशबू भी इसकी जो है वो बहुत ऐसे मज़े की है और टेस्ट भी मज़े का है। और यहाँ पर ये मेरे पास हैं कच्ची खजूरें, ये मेरे अबू जी लेके आए थे। अच्छा ये इतने मज़े की हैं, इनका एक स्पेसिफिक नाम भी होता है, तो अगर आपको पता है इनका नाम तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा इनको क्या कहते हैं। अच्छा ये बहुत मीठी थी, इनका टेस्ट जो है ना पक्की वाली खजूर से ज़्यादा मज़े का मुझे लगा है। और इधर जो है वो डिनर बन रहा है और अम्मी मेरी कह रही थी प्याज फ्राई, तो प्याज मैं ऑयल जो था वो कम था, तो मैं उनको न्यू वाली बोतल निकाल के और उसको खोल के दे रही थी।
खैर बेसिकली डिनर तो अम्मी बना रही थी और साथ में भी हेल्प कर रही थी। जैसे मैंने अभी राइस निकाले हैं उनको निकाल के वॉश करके इनको भिगो के रखूँगी। साइड बाय साइड हम दोनों काम कर रहे होते हैं किचन में। और जो मैंने ग्रीन टी बनाई है वो वाली मैंने डिनर के बाद बनाई थी, बिरयानी बनाने के बाद, खाने के बाद फिर मैंने ग्रीन टी बना के पी थी। लेकिन मैंने उसको वीडियो एडिट करते हुए उसको मैंने स्टार्ट में रखा है और फिर जो है यहाँ पे अब खाना बन रहा है। और ये जो राइस है इनको मैंने 3 जो है बार पानी में वॉश किया है और फोर्थ टाइम जो है इसको मैंने भिगो के रख दिया है। और यहाँ पर अब मैं बनाऊंगी रायता। अच्छा, रायता जो है वो सिर्फ एक बंदे ने खाना है, मुझे बिरयानी के साथ रायता नहीं पसंद, मैं सैलड खाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने भाई के लिए रायता बनाना है। और ये बाउल मैंने पिछले वाले एक व्लॉग में दिखाया था जब मैं गई थी सैटरडे बाज़ार, तो उधर से लेके आई थी, तो आज इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। सैलड मैंने काट लिया था और इधर जो है यहाँ पे मैं योगर्ट में ये मिक्स करके रायता बना लूँगी भाई के लिए, और बाकी जो है वो सब हम सैलड खाएंगे बिरयानी के साथ। इतना रायता जो है वो अच्छा नहीं लगता, पुलाव के साथ अच्छा लगता है, बिरयानी के साथ। और मैंने रायते में बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें डाली हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला क्योंकि मेरा भाई बड़ा चूज़ी सा है, उसको ना ये चीज़ें नहीं पसंद। अगर मैं उसमें पुदीना काट के डालूँगी वो भी उसने नहीं खाना, धनिया डाल दूँगी वो भी उसने नहीं खाना। मैं जस्ट थोड़ा सा ज़ीरा इसमें डालूँगी, हालांकि ये चीज़ें अच्छी लग रही होती है रायता में, पुदीना भी और धनिया भी, लेकिन उसको नहीं पसंद तो फिर इसलिए मैं नहीं डाल रही। और यहाँ पर बिरयानी रेडी हो गई है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ये बताना है कि बेसिकली तो मेरे व्लॉग्स हैं ये, मैं अपनी डेली रूटीन बता रही होती हूँ। और अगर रेसिपीज़ भी आप चाहते हैं कि जो चीज़ मैं बना रही हूँ उसकी रेसिपी भी बताऊँ, तो आप मुझे कमेंट में बता दें, फिर ना जो व्लॉग मैं बनाया करूँगी उसमें जो भी कुकिंग होगी उसकी रेसिपी भी साथ शेयर करूँगी, तो वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना है। चूँकि मैंने अपनी आज से वेट लॉस जर्नी भी स्टार्ट करनी है, तो मैं थोड़ा सा पोर्शन में खाऊँगी। और जब वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करें तो एकदम से सारा वो नहीं अपनी रूटीन चेंज करनी खाने की, क्योंकि उससे फिर जो है ना हेल्थ से रिलेटेड और इश्यूज शुरू हो जाते हैं। तो मैं भी जो है ना पहले पोर्शन कंट्रोल पे जाऊंगी, थोड़ा हर चीज़ को ना थोड़ा थोड़ा कर दूंगी। और आज मैं पी रही हूँ इधर कोक हाफ ग्लास, वैसे फुल लेती थी लेकिन बाद में इसको मैं पूरा स्किप करूँगी, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो बिल्कुल उनको कट डाउन करूँगी तो ही वेट लॉस होगा। और जस्ट ग्रीन टी भी जो है वो वेट लॉस के लिए इनफ नहीं होती, उसके साथ बाकी चीज़ें भी करनी पड़ती हैं, पोर्शन कंट्रोल और जो है वॉक वगैरह भी, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। सिर्फ ग्रीन टी पी के और हम अपनी डाइट वैसे ही रखें तो उससे तो फिर वेट लॉस नहीं होगा। और डिनर के बाद फिर हम लोग आ गए थे वॉक के लिए, क्योंकि अब मौसम अच्छा हो गया है तो वो वॉक वाली जर्नी भी स्टार्ट होगी अब। और वैसे भी जो डिनर के बाद थोड़ी सी वॉक कर लेनी चाहिए, उससे आपकी कैलोरीज बर्न हो जाती हैं जो आपने खाया होता है, एकदम से जाके बिस्तर पे नहीं लेटते डिनर के बाद, तो थोड़ी सी वॉक कर ली जाए। अगर बंदा बाहर नहीं जा सकता तो लॉन में थोड़ी सी वॉक या छत पे जाके, जहाँ पे जो है ना आप खुद को ईजी समझते हैं डिनर के बाद जो है वो थोड़ी सी वॉक हमेशा करें, उससे जो है फिर आपका जो है वो रात नींद भी अच्छी आती है और बाकी भी जो स्टोमिक के प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो ज़्यादा इसी वजह से होते हैं जब हम खाना खा के फ़ौरन सो जाते हैं। इस वक्त 9:30-10 बजे का टाइम है रात का, और हाफ आवर वॉक करूँगी फिर घर वापस चली जाऊँगी। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं, जिन लोगों को मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हैं, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और जी, सब दुआओं में याद रखें, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।